मैं हूं मरियम इकराम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बुलेट प्रूफ। जनाज़ आज के गेस्ट हमारे जो हैं वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बिकॉज लोग आपको पसंद करें ना करें आपको लगे रहना पड़ता है। तो अभी हमारे जो गेस्ट हैं उनसे जानते हैं कि आखिरकार लोग उनको पसंद करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं या नहीं। तो इसी तरह से आज हमारे पास दो खवातीन मौजूद हैं। खवातीन कहने पर अगर एतराज़ हो तो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो एक का नाम है किरण रुबाब खान और एक है हमारे साथ अज़रा मेहर, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और साथ साथ लोगों के फलाह बहबूद के लिए भी बहुत काम करती हैं। तो इनको आज हमने अपना मेहमान बनाया ताकि आप लोगों तक भी पहुंचा सके इनका मैसेज और लोगों को बता सके कि औरत कुछ भी कर सकती है। तो चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मरियम आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट फाट। आप सुनाया जरा। जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मरियम। मैं आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप दोनों सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट किस तरह से, हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये, थैंक यू सो मच मरियम कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। छोटे मोटे एहसान मैं करती रहती हूँ। अच्छा जी, ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलने वाली, कोई मसला नहीं जो आपने मुझ पर आज किया है। और दूसरी बात ये कि सोशल एक्टिविस्ट होना एक वाकई बहुत बड़ा टफ टास्क होता है, तो मीडिया के साथ साथ इसको लेकर चलना। जैसे मैंने क्राइम को डील किया, फिर कोर्ट्स की बीट को किया। क्राइम को डील किया या क्राइम को किया? क्राइम को डील किया। डील किया, ओके। क्राइम किया नहीं। अच्छा, हाँ, क्राइम करना और डील करना दो डिफरेंट। अच्छा, ओके, यस। अच्छा, और फिर कोर्ट्स की बीट की, बहुत टफ टास्क था ये भी। और उसके बाद फिर मैंने प्रोग्राम किया सियासत और रियासत। फिर अज़रा ने मुझे कहा कि हम लोग मिलकर दोनों एक यूनियन स्टार्ट करते हैं, एक चैनल प्रॉपर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम वॉइस ऑफ पाकिस्तान है और मैं उसकी सेंट्रल चेयरपर्सन भी हूँ। तो आप ज़िंदगी में इस तरह के तजर्बे करते रहें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद अगर सोशल एक्टिविस्ट की बात की जाए तो जैसे मरियम कोरोना का इशू हुआ था, तो कोरोना में लीडिंग लेडीज़ के प्लेटफॉर्म से आप भी उसमें हमारे साथ शामिल थी, अज़रा मेरे साथ थी, और हमने बहुत सारे खवातीन मुल्कों ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में लोगों को राशन प्रोवाइड किया। तो ये भी मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छा काम है कि अगर आप स्क्रीन पर ना कर रह कर भी आप किसी की मदद कर दें। तो सोशल एक्टिविस्ट इसी सूरत में आप ले सकते हैं कि मैं हूँ, लेकिन ऑन स्क्रीन इतना नहीं करती, लेकिन हाँ अपनी पिक्स वगैरह बहुत अपडेट करती रहती हूँ, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टा पे, लोग पसंद करते हैं। तो फिर होता है कि एक फैमिली घर की जितना रिस्पेक्ट दे रही होती है, इसी तरह मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलिए आपकी तरफ चलते हैं। अज़रा, आप बताएं आप क्या करती हैं? जी मरियम, हमने सबसे पहले तो आपके सामने के मुख्तलिफ चैनल्स में रिपोर्टिंग की, हेल्थ बीट करती रही मैं। उसके बाद जो है बहुत सारा सोशल वर्क जो है वो मेरा शौक़ भी है, जुनून भी है। तो उससे हट के कुछ अर्सा पहले मैंने और किरण ने डिसाइड किया कि हम लोग एक वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से जो है प्लेटफॉर्म ऐसा लेके आएँ कि जहाँ पे ख़वातीन्स को जो है वो प्रमोट किया जाए, ख़वातीन के लिए काम किया जाए। तो हमने वो नेम डिसाइड किया वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन, जिसकी मैं सेंट्रल प्रेजिडेंट हूँ और किरण सेंट्रल चेयरपर्सन है। तो हम दोनों मिल के ख़वातीन के साथ साथ मेल के लिए भी काम कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ये कहता है कि मतलब हमें लीड करने वाली दो ख़वातीन हैं। तो हमारी टीम में पूरे पाकिस्तान से जो इस वक्त जर्नलिस्ट शामिल हैं वो 1500 के करीब शामिल हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा वर्क जा रहा है। तो मतलब कि ये कहना गलत नहीं है कि पहले जो होता था, मर्द हजरात कहते थे कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और वो औरत जो है वो घर बैठी होती थी। तो आजकल औरत जो है बाहर निकल के उनको सपोर्ट कर रही है, ऐसी है, पीछे बैठकर उनके लिए वर्क कर रही है। खैर, ये सब बातें चलती रहती हैं। आप मुझे बताएं आपका जिंदगी में क्या मकसद है, क्या एम है, क्या करना चाहती हैं आप? और ज़िंदगी में या ख़त्म हो गई है? नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं या उससे आगे काम करना चाहते हैं। मेरा ये विश है कि मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम ही करूं। अच्छे काम मतलब अभी तक कर नहीं सकी आप? जो किए हैं मुझे लगता है वो कम है, और अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा, मज़ीद अच्छे करना चाहते हैं? अच्छे काम करना चाहते हैं। आप बुरो की तरफ जाएंगे? नहीं, अच्छे काम की तरफ ही जा रही हूं। नहीं, वो क्राइम बीट करती हैं? नहीं, असल में हम दोनों साथ हैं, इकट्ठी हैं, तो जो भी करेंगी मिलकर करेंगी। और हमारा जो इस वक्त मतलब जो भी करेंगे मिलकर करेंगी, जो भी करेंगी, ठीक हो गया, जो भी से मुराद आप समझ गई होंगी। जी जी, काम नहीं, नहीं मैं काम के हवाले से बात कर रही हूँ, काम से मीडिया फील्ड से रिलेटेड बात कर रही हूँ। जी जी, आप कहीं और तो अभी हमारा जो फोकस है वो VOP जो है न्यूज़ चैनल की तरफ है कि हम उसको लेके आए, उसमें ख़वातीन के साथ साथ जो है वो मेल भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको VOP की स्क्रीन नज़र आएगी पूरे पाकिस्तान में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप मुझे बताएं किरण कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमारी सिफारिशात बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है, तो आप क्राइम बीट करती थी, उसमें कभी ऐसा हुआ कि कोई केस इस तरह का आया और आप पे सिफारिश आ गई हो कि नहीं भाई ये थोड़ा सा पॉजिटिव वे में दिखा दे, इसको ये कर दे वो कर दे, और पैसा पूसा आपने रोकड़ा जेब में डाला और लफाफे के तौर पे?
ये तो उनके हंसी से मुझे पता चल गया लिफाफे लिफाफे इन्होंने लिए हैं लिफाफे अब वो खाली पड़ा हुआ है लिफाफों का लिया कभी नहीं है अच्छा क्वेश्चन सुना हुआ था आपने मैं उनका खतून का नाम नहीं लूंगी एक जगह पर हम लोगों ने घी की फैक्ट्री थी वहां पर हम लोग गए वहां पर कुछ इशू हुआ लेकिन जो वहां पर था जो उसको मीडिया पर प्रेजेंट किया गया वो बिल्कुल गलत था अच्छा तो मैंने कहा कि ये गलत है तो हमारे जो चेयरमैन थे उन्होंने जो खातून थी उनका नाम नहीं लूंगी फिर मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने अप्रोच किया हमारे चेयरमैन साहब को कि ये लड़की है और इसने इन्होंने यहाँ पर हंगामा क्रिएट किया हमने कहा सर मेहनत हमने की जब सारा कुछ हो गया जब खाना पक गया जब तो खाने की बारी है तब हमने उसको बुलाया तो उसने कहा कि मैंने सारा काम तो मैंने सारा किया था और जी आप इसको पॉजिटिव दिखाएं तो तब मुझे पता चला कि माजरत के साथ जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी होते हैं जो नजर आ रहा होता है ना ये फोटो शूट में ये सब कुछ गलत ही होता है बिल्कुल मीडिया गलत होता है कहीं हद तक जो है ना वो चीजें अच्छी कर रहा होता है और मीडिया को बैक साइड पर ले जाकर ये कहते हैं हमने सब कुछ किया है हाँ ऐसा ही होता है और मैं तो हैरान परेशान ये होती हूँ कि गवर्नमेंट में जैसी सीट आती है तो वो आम लोग जो अप्लाई करते हैं उनको क्यों नहीं मिलती आखिरकार आखिरकार क्यों नहीं मिलते उस सीट के रेट क्यों लग रहे होते हैं मुझे ये बड़ा बिल्कुल बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है और भाई चलता 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए में सीट मिल जाती है आराम से और जो आप फॉर्म शॉर्म फिल करा रहे हैं इंटरव्यूज दे रहे हैं वो भाई साइड पे रखे हैं कुछ नहीं हो सकता खैर अजरा आपकी तरफ चलते हैं आपके बचपन में बचपन था आपका जी बिल्कुल था अभी है या खत्म हो गया नहीं थोड़ा थोड़ा अभी भी है अभी भी है तो बचपन में कोई ऐसी शरारत जो आप कभी भूल ना पाई हो जी बिल्कुल ऐसी शरारत थी कि मुझे लड़का बनने का बड़ा शौक था बचपन से बनने का शौक था अच्छा जी तो मर्दाना खूबियां भी है आपने जी जी वो तो बिल्कुल है अच्छा तो उसके लिए बहुत सारी शरारतें करते होते थे मतलब अभी भी लाइक घर वाले कहते हैं कि लड़की बन जाओ आपकी बहुत सारी हरकतें जो है वो लड़कों वाली हैं तो आप वापस आ जाओ तो लड़की बनने के लिए आपको घर वालों की नसीहत चाहिए या डॉक्टर की जरूरत है नहीं घर वालों की नसीहत घर वालों की नसीहत चाहिए मतलब ये घर वालों की नसीहत से ये लड़की बन जाएंगी लड़का बन के आपको क्या करने का मजा आता है लड़का बन के बाहर फील्ड में स्ट्रॉन्ग रह के काम करने का मजा आता है कि हमें टेंशन नहीं होती डर नहीं लगता कि हमें कोई बात कर रहा है देख रहा है या नहीं देख रहा हम स्ट्रॉन्ग होके काम कर रहे होते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि फील्ड में अगर जाना है तो औरत को मर्द बन के ही जाना पड़ता है खुद को सिक्योर रखना पड़ता है और तहफ्फुज़ बहुत जरूरी है किरण आपकी तरफ आते हैं आपको बचपन में कोई ऐसे शरारतें करने का शौक था लोगों की घंटी बजा देना कभी भी ऐसे कुछ भी नहीं वो उल्टा स्लाइड ऊपर चढ़ना बड़ी शरीफ लेकिन आप शरीफ नहीं है आपको ये भी बहुत शरीफ होती थी रीफ खत्म हो गया शर रह गया शर रह गया अब वो खत्म नहीं कभी स्लाइड पे उल्टी चढ़ गई हो चूल्हे पे आपने वजन ज्यादा डाल दिया हो कभी आपने घंटी बजा के भागी हो दूध में पानी डाल दिया हो कोई चीज फ्रिज में पड़ी है अम्मा ने रखी है वो खा पी ली हो बाद में छुप गई हो चीजें तो छोड़ती नहीं है अभी भी नहीं छोड़ती आप कह रही हैं नहीं कभी भी ऐसा नहीं कोई शरारत ही नहीं की बचपन था आपका था लेकिन बड़ा अच्छा एवे टॉफी शॉफी खाने के लिए अम्मा के पर्स से पैसे चुरा लिए हूँ कभी भी नहीं ये मेरे ख्याल से अम्मा है डरती हैं जो सच बोल नहीं रही हैं कभी भी नहीं पैसे चुराए और मामा डर नहीं रही बल्कि मदर को बुला रहे वो भी कहेंगे कि बड़ी शरीफ मेरी बच्ची थी बचपन में बड़ा थी मुराद है ना अब क्या हालात है अब मैं बड़ी हो गई हूँ अब आप बुढ़ापे पे आ गई हैं अब जाने वाली हूँ बुढ़ापे की तरफ जाने वाली हैं मतलब कि रह गए एक साल उसके बाद ये 40 में पहुंच जाएंगे 39 50 कह दो 50 चलो कोई बात नहीं औरत की उम्र जो है हमेशा कम बता रही चाहिए मैं मेरी पुसाई बताओ तुम सही बता दो छुपाओ नहीं मेरी नहीं छुपाओ अच्छा आपसे पूछना चाहूंगी कोई मैरिड है आप में से बिल्कुल नहीं तो अभी तक ये गलती करने का सोचा नहीं आपने कर लेंगे या कोई मिला नहीं अभी तक ये बात ये बात ना ही करें तो बेहतर है फिर गलती जो है ना ये कर लेंगे और बहुत जल्दी कर लेंगे कितना अरसा लगेगा आपके फैंस जो हैं वो पूछना चाहते हैं कि आखिर कब कब किरण रुबाब खान की हम रोटी खाएंगे अब रोटी किसी भी सेंस में आप ले सकते हैं में खा लेंगे तो लड़के में क्या खूबियां होनी चाहिए क्या लंगड़ा के चलना चाहिए वो आंख का काना हो दिल का साफ हो बड़ी बहनों की तरह नहीं बड़े भाइयों की तरह ना कह देना हस्बैंड को हस्बैंड ही रहने दो अच्छा तो और क्या खूबी होनी चाहिए खूबी क्या मतलब आपके अंदर खुद अगर आप अच्छे हैं तो मेरा ख्याल हस्बैंड भी अच्छा ही होगा आप किसी के अंदर ये कहें कि फलां बंदे में ये खूबी हो ये खूबी हो पहले हमें खुद देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या अच्छा है अच्छा ये चीज़ है तो आगे से पैड़ा बंदा निकल आए तो फिर सीधा कर दूंगी पकड़ के सीधा कर देंगे आप ठीक है आप क्या कहती हैं कि एक शौहर में क्या खूबी होनी चाहिए सबसे पहले तो शौहर में जो खूबी मेन लड़की देखती है वो ये है कि वो औरत की रिस्पेक्ट करता हो अच्छा उसकी तरबियत इस तरह से हुई हो कि मतलब वो ख्याल रख पाए वो अमीर हो गरीब हो लेकिन वो रिस्पेक्ट करे अच्छा हमेशा सिर्फ अपनी बीवी की नहीं अपनी बहन की नहीं अपनी मदर की नहीं
जितनी ऑल ओवर की भी, दूसरों की बीवियों की भी, बिल्कुल ऐसी है। हाँ, फिर जब दूसरों की बीवियों की वो फिक्र करते हैं और ख्याल करते हैं, इस तरह की फिक्र नहीं जो आप कह रही हैं, इस तरह की फिक्र नहीं वाली फिक्र। एक बात करूं कि अक्सर वो मैसेज चल रहा होता है ना कि पता नहीं क्यों मर्दों को अपनी बीवी से ज्यादा दूसरों की बीवी की प्यारी लग रही होती है। यहाँ पर वो सीन हो जाएगा कि वो रिस्पेक्ट कर रहा है, वो बहनों वाली रिस्पेक्ट कर रहा हो ना। अच्छा। ये तो नहीं है कि वो अब उस पे नजर रख ले, लाइन मारना शुरू कर दे, सबको बहन बना ले। जी बिल्कुल। वैसे भी शादी के बाद जो है मर्द के ऊपर फर्ज हो जाता है ये कि वो अपनी बीवी के अलावा सबको बहन माने और किसी लड़की की तारीफ ना करे गलती से भी। ठीक हो गया। किरण, आपको कोई गाना गाने का, कुछ बजाने का कुछ शौक शौक? सिंगिंग का शौक है, लेकिन गा नहीं सकती, बहुत बुरा गाती हूँ। थोड़ी सी कोशिश करें। नहीं, कोशिश करें ना। नहीं, कोशिश करने से कुछ भी हो जाता है। कौन सा गाना? कोई भी गाना, अच्छा सा प्यारा सा, जो हमारे कानों में। मेरा माइक बंद कर दीजिएगा, हेडफोन भी बंद कर दीजिएगा। कोई भी गाना। अच्छा, आप सुन नहीं पा रहे हो तो बाकी कैसे सुन पाएंगे? बाकी बाकियों को सजा मिलनी चाहिए। मेरा पहले गला खराब है तो आप गाना सुन। कोई बात नहीं, इस वक्त माइंड में कोई गाना नहीं आ रहा। कोई आप सोच लें गाना, मैं अजरा की तरफ से हुआ थी, उनके घर की बैल बजा आती हूँ। अजरा, आप कितने बहन भाई? मैं अकलौती हूँ। अकलौती हैं। उसके बाद क्या अम्मी अबू को ख्याल नहीं आया, या अबू को वक्त नहीं मिला? नहीं, मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, मैं 3 मंथ की थी, तो इस वजह से मम्मा ने और शादी नहीं की थी। 3 मंथ की थी, मतलब कि आपके बारे में सबक मिल गया अम्मी को कि मजीद इस तरफ नहीं जाना। ठीक हो गया। तो आप घर की लाडली होंगी? इस बात घर की लाडली, क्या लाड उठाती हैं आप? गाना याद करें, आप हाँ चलेगी चलेगी, बस मेरे पे तलकीन ही आएगी कि सर पर रुबटा नहीं लिया, मगर आप चलेगी, कोई मसला नहीं है। तो लाड यही होता है मरियम के घर में, कोई घर का काम नहीं करना, खाना वगैरह नहीं बनाना, कपड़े वॉश करने नहीं पड़ते। तो लाड शादी के बाद निकल जाते हैं? नहीं, जरूरी नहीं, बच्चों की पोटियां धोनी पड़ती है। नहीं मरियम, जरूरी नहीं कि शादी के बाद निकल जाते हैं, अगर हस्बैंड अच्छा हो तो हम मेड भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये डायलॉग भी मैंने सुना है, मगर डायलॉग तक होता है कि अगर शोहर अच्छा हो तो वो शादी के बाद भी लड़की को परी बनाकर रखता है, तो ये परियां जो है वो फिर उड़ छुड़ भी जाती है, यू नो वेरी वेल। तो इनको याद आ गया, तो प्लीज आप इनकी नाच से हम थोड़ा सा प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रेंदे, मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रेंदे। काफी है? मेरी किस्मत नराली है मेरे, कुछ इस तरह से है। माशाल्लाह बहुत अच्छे इसके अल्फाज हैं और आवाज़ भी आपकी बहुत खूबसूरत है। वो मुर्शिदा से माफी मांग रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि घर में जो ग्रॉसरी है और वॉशरूम का सामान है, वॉशरूम का सामान से मुराद वो वाला नहीं, ये वाला कह रही हो, साबुन शाबुन शैम्पू शैम्पू कंप्लीट आप लेकर आती हैं, अम्मा लेकर आती हैं? नहीं, अम्मा लेकर आती हैं। अम्मा लेकर आती हैं, तो मतलब कि कभी ऐसा हो, हम बड़े सोशलिस्ट हैं ना, बाहर जाते हैं तो हम लाइक यूं बैठते हैं और फोक एंड नाइफ से खाना खाते हैं, तो घर में इस तरह से हुआ कि साबुन की चक्की जो है वो थोड़ी सी रह गई और मलते मलते वो निकल जाती हो कहीं नाली नुली में, और आप हाथ मार के से निकाले और दोबारा धो के। इस तरह का काम तो कभी नहीं किया। तोबा तोबा वाली क्या बात है, इंटरनेशनल काम है, इंटरनेशनल काम है, लेकिन नहीं आप करती। आंखों पे साबुन लगाओ और साबुन की चक्की फिसल जाए। मैं तो वो लोग भी देखे जो फ्लश में साबुन निकाल के धो लेते हैं, धो लिया इसको और क्या फिसल गया। मरियम, आपने ऐसा काम जरूर किया होगा। हाँ, तो मैं तो करती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ ना। जबरदस्त, लेकिन हम नहीं करते ऐसा, नहीं किया कभी। और बाहर जब आप फोक एंड नाइफ से चावल खाते हैं, घर पे आप टूट पड़ती हो, अम्मी ले आए थे चावल एंड प्लेट छुपा के। नहीं, मैं आपको बता, खाने की इतनी शौकीन नहीं हूँ कि मैं टूट पड़ूं चीजों पे। घर पे चारा डालते हो? नहीं, बाजरा डालती हूँ कि बेटा ये साइड में बड़ा हुआ प्लेट में छुपती रहूं, खाने की शौकीन नहीं है। तो ऐसा ही हिसाब है, ऐसा ही हिसाब है। ठंडे जवाब दे रही है, उनको पता है कि मरियम थोड़ी सी गर्म हुई हुई है। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे, वक्त बहुत पड़ा है, पकड़ आएंगी। किरण, आपकी तरफ आते हैं, आपको खाने पीने में क्या शौक है? खाने में क्या पसंद है मुझे? जी, खाने का पसंद ही पूछ सकती हूँ, बनाना पता नहीं। चाइनीज फूड। तो पाकिस्तानी क्या पीछे रह गए? पसंद का पूछा आपने? नहीं, फिर पाकिस्तानी क्या साग मुझे बहुत पसंद है। साग? हाँ, साग आलू गोभी साथ चावल बहुत पसंद है मुझे। आलू गोभी के साथ चावल बहुत पसंद है। हमारे मेन्यू में कुछ नहीं है साग। साग तो इसके, इसको किसी से मांग के मिला दे तो ये खाएगी, इतनी शौकीन है। अच्छा, कहीं से भी आज खा लूँ, कहीं से भी आज साग खा लेंगे। साग वैसे भी बड़ी मेहनत से बनता है और हर बंदा, मैं बहुत शौक से बनाना भी आता है मुझे, बनाना भी आता है। ठीक हो गया। किरण, आप मुझे बताएं कितने बहन भाई हैं? दो बहने। क्या करती हैं बहन आपकी? और छोटी सिस्टर जो है वो ASF में इंस्पेक्टर है। हाँ? इंस्पेक्टर है ASF में। अच्छा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में। अच्छा, हाँ जी, गलत बात कर दी मैंने। हमारी बहने जो है वो कई
चारपी के साथ लगी हुई है, कोई डैडी के साथ लगी हुई है, कोई किचन में लगी हुई है, कोई वॉशरूम में लगी हुई है धोने के लिए कि मैं जरा वॉशरूम साफ सुफ कर लूँ। इनकी वैन इंस्पेक्टर लगी हुई है, वही क्या ही बात है वैसे। तो फैमिली में और भी कुछ लोग ऐसे हैं? मामा मेरी जो है वो डायरेक्टर हैं कंपनी में। ओके हाँ। कोई सस्ती फैमिली नहीं मिली आपको? सस्ती फैमिली क्या, ठीक है बस चल रहा है काम। और मैं आपको बताइए फिल्म मीडिया। हाँ आप तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है। खैर वक्त के साथ साथ इनसे बातें भी होती रहेंगी, गपशप लगाते रहेंगे, एंटरटेनमेंट मजीद हम करेंगे। ये हमारे साथ ही हैं अज़रा और किरण। तो अभी वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें बुलेट प्रूफ।